जो नारी का किरदार था आपका वो काफी सराहा गया, भले फिल्म एवरेज रही लेकिन हाँ आपका जो किरदार है काफी सराहा गया, तो उसके लिए क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले थे खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री से? एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स तो मिले थे, और वो किरदार भी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, बिकॉज़ वो मेरा अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है. एज एन एक्टर मैंने पहले कभी कॉमेडी नहीं की थी, वो भी इतनी इतनी लाउड कॉमेडी, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर में जो काइंड ऑफ नेगेटिव था, देखा जाए तो वो इन अ वे विलेन थी मूवी की, यू नो. हाँ, सो वो विलेन ही थी, और मेरे मेरे पर्सनल जैसी मैं हूँ इन रियल लाइफ उससे बहुत डिफरेंट था, तो मेरे लिए एक बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला किरदार था. तो हाँ, काफ़ी क्रिटिक्स ने इनफैक्ट कुछ लोगों ने बहुत ही ख़राब बोला, कुछ लोगों ने, बट जिनको अच्छी लगी उनको बहुत अच्छी लगी, जिनको बुरी लगी उनको मैं बहुत बुरी लगी. सो आई थिंक काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, बट पर्सनली मुझे कुछ कुछ एक्टर्स टीवी के जो जिनसे मैं एक्चुअली ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती, बट जो भी मिले और जिन्होंने फिल्म देखी, क्योंकि लोगों ने फिल्म बाद में देखी बिकॉज बॉम्बे में ज़्यादा अच्छी रिलीज़ नहीं थी मूवी की, तो मुझे बाद में काफ़ी SMSs और ट्विटर्स पे बहुत मैसेजेस आज तक आ रहे हैं, जो लोग आज तक देख रहे हैं कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था. एंड एक्चुअली एक 7 साल की बच्ची थी, एक मुझे एक पार्टी में एक बहुत ही एक लेडी मिली, एंड शी उन्होंने लिटरली मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी ना, बट मज़ा भी आया कि चलो इतना मज़ेदार कैरेक्टर था कि किसी तरह लोगों को पसंद आया भी है, एंड इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, सो इट वॉज फन. वो जो फिल्म थी उसके अंदर हाँ आपका सेंट्रल कैरेक्टर जी. था, वुमेन सेंट्रिक फिल्म कही जा सकती है, लेकिन अगर अगर भविष्य में कभी आपको मौका मिला बायोपिक करने का, तो ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिस पर आप बायोपिक करना चाहेंगे? ऐसी तो काफ़ी पर्सनालिटीज़ हैं, बट आई वुड लाइक टू डू कोई ऐसी चीज़ जो आज तक हुई ना हो, जैसे मैरी क्यूरी, दो शी इज़ अ साइंटिस्ट, बट ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक होगा बॉलीवुड के लिए, बट मुझे ऐसी चीज़ें ही पसंद है जो आज तक ना हुई हो. इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ, सो आई वुड से यार डेफिनेटली एक साइंटिस्ट प्ले करना लाइक मैरी क्यूरी, और मे बी समबडी लाइक इंदिरा गांधी, अगर हमारे देश से मैं देखूँ, जो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही है, फीमेल पर्सनैलिटी रही है हमारे देश की. सो या आई थिंक, बट वो एक आई थिंक वो मुझे एक एज के बाद सूट करेगा डेफिनेटली, बट हाँ काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मैं प्ले करना चाहूँगी. इनफैक्ट मुझे अगर बायोपिक मिले किसी एक्ट्रेस का प्ले करने को हमारी इंडस्ट्री से, आई वुड लव टू प्ले कालकी, कालकीज लाइफ. आई थिंक कालकी की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज वुमेन हु हैज़ ऑलवेज, वो हमेशा अपने टर्म्स पे चीज़ें करती हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो नहीं करती जो एक हर एक्ट्रेस और हर एक्टर को यहाँ पे फॉलो करने दिया जाता है कि ऐसी फिल्में करो, ऐसी चीज़ें करो. वो हमेशा अपने तरीके से चीज़ें करती हैं, और वो उसी तरह से आगे बढ़ रही हैं, वो थिएटर भी करती हैं, वो 10 चीज़ें करती हैं. तो आई थिंक हाँ, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्ट्रेसेस भी अब बन रही हैं जिनकी लाइफ पे आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बन सकती हैं. अच्छा, जैसे आपने